ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान वाच, श्रेष्ठ योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें देह और देह के संबंधों से ऊपर उठना होता है, क्योंकि आत्मा यदि देह के अटैचमेंट में अटकी हुई है तो उसका बुद्धि योग ऊपर बाबा के पास नहीं जा सकता। और देहधारियों की याद, चाहे वो मोहवश हो चाहे आकर्षणवश हो, मनुष्य को योग युक्त नहीं होने देती। फिर देहधारियों में आजकल संबंधों में कटुता भी बहुत है, उनका व्यवहार भी योग युक्त नहीं होने देता। इसलिए उनके प्रति आत्मिक भाव धारण करने वाले, उनके प्रति साक्षी भाव धारण करने वाले कि ये सभी आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही हैं, जो इन्होंने कल पहले किया था वही कर रही हैं, ऐसी आत्माएं ही योग की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बुद्धि योग देहधारियों में ही न अटका हुआ हो, नए संबंध भी जोड़ने में हम न लग जाएं। कभी कभी दूसरों को मदद देने के लिए हम नए संबंध स्थापित कर लेते हैं, हमारी भावनाएं भी शुद्ध और श्रेष्ठ होती हैं, परंतु ये बंधन बन जाते हैं। ये संबंध मनुष्य को कहीं ना कहीं ऊपर जाने में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलो। तो हम सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे और याद रखेंगे कि अंत में ऐसी स्थिति हो कि सिवाय एक के और कुछ भी याद ना आए। जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी वो आपको याद आएंगे अवश्य, परंतु यदि आप पहले से ही ये दृढ़ संकल्प कर दें कि इन सब का जिम्मेदार बाबा है और ये सभी आत्माएं अपना अपना श्रेष्ठ भाग्य लेकर भी चल रहे हैं, तो जो एक जिम्मेदारी का बोझ जैसा रहता है, और ये भी रहता है कि हमारे बाद इनका क्या होगा, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बच्चों का क्या होगा आपके जाने के बाद, आपकी पत्नी का क्या होगा, ये सब चिंता बाबा को अर्पित करने वाले ऐसे बेफिक्र बादशाह सच्चे योग के अधिकारी बन जाते हैं। तो आइए संगम युग पर हम एक ही लक्ष्य बनाएं कि हमें योग युक्त होकर जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट करना है, विकारों को नष्ट करना है, ताकि हम सजाओं से भी मुक्त हो जाएं और वर्तमान में भी हम श्रेष्ठ स्थिति सर्वश्रेष्ठ सुख परमानंद को प्राप्त करें। क्योंकि जिनके विकर्म विनाश नहीं होंगे उनकी सजाएं भी बहुत भारी होती हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं। सचमुच सत्य तो यही है कि अब सबके हिसाब किताब चुकतु करने की गॉडली मिशनरी तीव्र हो चुकी है और अब कोई भी अपने विकर्मों की सजाओं से बच नहीं सकेंगे। जिन्होंने यज्ञ में विघ्न डाले, जिन्होंने इंप्योरिटी का मार्ग अपनाया, जिन्होंने ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहन किया, वो सब अब इन कर्मों की सजाएं पाएंगे। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह योग युक्त रहकर अपने सभी भी कर्मों को दग्ध कर लेना चाहिए, ताकि हमारी गति भी श्रेष्ठ हो और अंत में कोई भी विकर्म हमें अपनी ओर आकर्षित न करे। होता यही है कि ये विकर्मों का बोझ, ये बंधन भी आत्मा को बहुत आकर्षित करता है। हम इनसे ऊपर उठ जाएं, तो चलें आज हम
एक से लगातार बुद्धि योग जोड़ें और जिस पर भी हमारी नजर जाए उसको हम आत्मिक दृष्टि से ही निहारें और ये अभ्यास करें कि ये सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। हम इनके जिम्मेदार नहीं, इन सब के जिम्मेदार बाबा है। बस इससे स्वयं को हल्का करें और अपनी योगयुक्त स्थिति को निरंतर बढ़ाते चलें। ओम शांति।